बुलंदशहर के कस्बा सियाना में कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने के बाद एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हालत बिगड़ गई है। बेहोशी की हालत में उन्हें CHC भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। बताते चलें कि बीती रात नगर के मोहल्ले पार्टी हरनाम सिंह के लक्ष्मी पुत्र रोहन सिंह व उनकी पत्नी बाला और पुत्र रोहित प्रिंस सचिन ने खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीकर सो गए थे। बताया गया है कि गुरुवार की सुबह देर तक मकान का दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों ने बराबर के मकान में जाकर देखा तो वह तभी अचेत अवस्था में मिले। उपचार कराने के लिए उन्हें CHC भर्ती कराया गया है। CHC प्रभारी डॉक्टर विपिन कुमार ने बताया कि CHC लाए गए परिवार के सभी सदस्यों की हालत खतरे से बाहर है। हालात सामान्य होने के बाद घर भेज दिया जाएगा। आप अस्पताल पर क्या है मामला? ये अस्पताल पर हम ये आए हैं कि रात 10 बजे का मामला है और मेरी फैमिली से बिलोंग है और उन्होंने रात 8 बजे खाना खाया। खाना खाने के बाद में 2 घंटे के बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिया, जो कोल्ड ड्रिंक है थम्सअप। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में उन्हें जैसे पिए हैं उन्होंने एक जगह बैठ के पिए। उसके बाद में 5 या 3 मिनट के गैपिंग में उन्हें चक्कर आने लग गई। चक्कर आने के बाद में उन्होंने आपस में जैसे थे वो ऐसे कैसे वहीं लोटपोट हो गई। जब लोट जाते हैं, अब सुबह भी उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। मेरा पड़ोस में घर है, मैंने उन्हें देखा कि भाई क्या समस्या। मैंने उन्हें देखा, देखने के बाद में तो वो सब के सब बेहोश हुए थे। बेहोश होने के बाद में मैंने उनको देखा तो बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। फिर मैंने एक मेरे जानने वाले डॉक्टर हैं, मैंने उनसे मालूम करा, मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है और क्या। तो वो कहने लगे आप एक सदस्य को बिठा कर ले आओ। सदस्य को बिठाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट जारी किया। फिर उसके बाद में मैंने 1076 पे भी कॉल करी है, जब यहाँ से सियाना कोतवाली से SHO साहब गए हैं और उन्हें फिर अस्पताल में एडमिट कराया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए बुलंदशहर से अवनीश त्यागी की रिपोर्ट।